तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर जब भी मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता हूँ, तो मैं खुद से भी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशन माध्यम से ये वीडियो को मैं बनाता हूँ। मतलब कि आपको मेरे बोलने पर कोई भी तरह का ट्रेडिंग आपको करना नहीं है। हाँ, अगर आपको मान लो इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो जो ब्रोकरेज फर्म है, तो उसका आप संपर्क कर सकते हो। वो आप मुझे कॉल करोगे या मैसेज करोगे या आप मुझे पूछोगे, तो मैं उसका रिप्लाई आपको, उस कंपनी का जो प्रोफाइल है वो मैं आपको भेज सकता हूँ। कहने का मतलब ये पूरी वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज वीडियो है। मेरा जो ग्रुप है ये पूरा एक एजुकेशन पर्पज का ग्रुप है। तो यहाँ पर आइए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, थोड़ा अवचेतन मन के अंदर, अपने अवचेतन मन के अंदर प्रीमियम की साइकोलॉजी को समझिए, मतलब सिमुलेशन थ्योरी को समझिए। तो यहाँ पर कल के दिन के अंदर मैंने जो टारगेट हिट दिया था, मतलब 25,000 का कॉल 18 सितंबर का, मैंने यहाँ पर 10:38 को ही दे दिया था, और उसने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। 240 260 को तो मैंने ही क्लोज कर दिया था, लेकिन ये टारगेट 416 तक गया था। मतलब एक्सपायरी का जो लोअर था, मतलब कल की जो एक्सपायरी खत्म हो गई थी, तो मैंने अगली एक्सपायरी, मतलब कि ये जो एक्सपायरी शुरू हो रही है 18 सितंबर वाली, तो उसके प्रीमियम पर मैंने ट्रेड सेटअप अपना बनाया। और मेरी कंपनी को भी मैंने इस चीज के बारे में बताया कि यहाँ से हमें लॉन्ग की तरफ चलना है, ना कि शॉर्ट की तरफ। तो यहाँ पर कुछ मेरी वीडियोज है, आपको यहाँ से देखने मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और काफी सारी वीडियो जो है उसे आप देख सकते हो। तो थोड़ा आगे जाते हैं। अभी आज के दिन के अंदर मैंने पहले ही बता दिया, मार्केट जो है 70 पॉइंट SGX प्लस है। मतलब के 416 का जो टारगेट है ना, वो 550 का हिट देता है, हो सकता है वो 650 का भी हिट दे। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम की साइकोलॉजी को और हेज को समझना पड़ता है कि मार्केट क्या कर रहा है। भाई 25,440 का जो निफ्टी ने हाई दिया था और 25,390 का जो लो दिया था, मतलब क्लोजिंग के अंदर, तो उससे ऊपर ओपन क्यों किया? बिकॉज के हो रही है यहाँ पे पुट राइटिंग। अब पहले है ना कॉल राइटिंग होती थी। कॉल राइटिंग के अंदर क्या होता था कि मार्केट को आउट द मनी की जितनी कॉल है वो सारी सेल कर दी थी, मतलब के फ्यूचर की भी कॉल को सेल किया था और स्पॉट की भी कॉल को सेल किया था। अब उल्टा हो रहा है। अब आप जितनी सपोर्ट की पुट लेकर एवरेज करने की कोशिश करोगे, तो वो पुट के प्रीमियम खा जाएगा। मतलब अगर मान लो 25,300 की पुट आपके पास होल्ड पड़ी है 18 सितंबर की, तो उसके भी प्रीमियम को खा जाएगा। उसे बोलते हैं पुट बुल कॉल डेबिट स्प्रेड। तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो पहले शुरुआत कीजिएगा, 9:15 से 10:45 तक हैज है, मतलब के 25,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 10:45 से लेके 12:56 तक यहाँ पर वापिस से है जो, मतलब 25,400 का डबल, 450 का डबल टॉप मान के चलिएगा। स्टॉप लॉस 25,550 का ट्रिपल टॉप और 25,618, मतलब के 1:10 पर सबसे बड़ी ऐसी लीड होने वाली है, ये मानकर हमें चलना है। मतलब अब जितना भी सपोर्ट को बाय करने की कोशिश करोगे और एवरेज करने की कोशिश करते हो, तो कहते हैं ना कि भाई वॉल्यूम तो बढ़ रहे हैं लेकिन प्राइस नहीं बढ़ रहे। तो ये वाली कहावत जो है अभी पुट पर हावी होने वाली है। मतलब पुट में जो लोग अपने प्रीमियम की एवरेज बना रहे हैं, मतलब 133 में बाय किया था वो प्रीमियम 78 चला गया, 78 को अगर बंदा बाय कर रहा है तो वो प्रीमियम 50 जा रहा है, मतलब कि प्रीमियम और डिके हो रहा है, वो भी 18 तारीख का। तो इस चीज को बुल कॉल डेबिट स्प्रेड के अंदर जाओगे, तो आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी नोट्स मिल जाएगी कि बुल कॉल डेबिट स्प्रेड कहाँ है, क्या है, और इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरह से पहले समझ लो मार्केट गैप अप ओपन होता है। यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद में धीरे 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 मार्केट नीचे तो आया, लेकिन आपके सारे प्रीमियम जो पुट के होल्डिंग प्रीमियम थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। मतलब हुआ क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा अभी यहाँ पर वापस लेके जाता हूँ। ये बनाया मैंने स्ट्रेटेजी। तो ये मैंने 26 सितंबर की पुट जो है 25,100 की, जो वीकली सेटलमेंट है 26 सितंबर, और फिलहाल चल कौन सा रहा है 18 सितंबर। जब तक 18 सितंबर 26 सितंबर को घीस नहीं देता ना, तब तक लॉन्ग पुट नहीं होती, ये मानकर हमें चलना है, जिसके लिए 13 तारीख और 16 तारीख जिम्मेदार ठहराएगी। मतलब के 13 तारीख 16 तारीख क्या होगा, ट्रिपल टॉप की तरफ जाने की संभावना है, मतलब के मार्केट के अंदर बुलिश की संभावनाएं ज्यादा है। ब्लैक फ्राइडे का मतलब होता है कि फ्राइडे को मार्केट शायद नीचे सस्टेन दे या
सेंसेक्स नीचे की तरफ आए, लेकिन 25,250 का सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर एसएल जो है 25,250 के नीचे की 30-40 पॉइंट की एसएल आप लगा के काम कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हैज मैंने पोजीशन यहाँ पर बनाया हुआ है तो वो उसी तरह का बनाया है कि 25,400 का कॉल जो है वो बाय में, मतलब 19 सितंबर का। पहली बात तो जिस कॉल को मैं सेल करना चाहता हूँ उस कॉल को मैं बाय कर रहा हूँ, मतलब फुल्ली बुलिश, लेकिन 19 सितंबर का। अब 118 का जो प्रीमियम होता है ना वो प्रीमियम सेल भी होता है, मतलब कि ये प्रीमियम जो होता है ना वो बेरिश भी होता है। तो सामने मैंने क्या किया है 19 सितंबर और यहाँ पर 25,200 की पुट को मैंने स्ट्रेडल किया हुआ है, मतलब कि अगर ये पुट डिकी होती है तो ये जो कॉल है ना 101 वाली कॉल जो है ना अगर डिकी होती है तो 19 सितंबर वाली, तो ये प्रीमियम हो जाएगा आज की ही तारीख में 60 रुपीज, मतलब 40 रुपया ये लोअर आज की ही तारीख में, 60 रुपये से लेके 50 रुपये का लोअर ये आज की तारीख में ही दे देगा ये वाला। मतलब कि अभी ओपनिंग में अंदर देख लेना 25,200 का पुट जो 101 से लेकर नीचे मार्केट अगर ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो पुट डिके हो रही है, मतलब के 61 की इसका स्टॉप लॉस हिट होना तय है। हैज हुआ तो 55 रुपये से 44 या 41 रुपीज तक का और लोअर, मतलब कि इस स्ट्राइक पर 25,200 पर क्या होगा, शॉर्ट बोलते हैं ना अनवाइंडिंग होगा, मतलब कि मार्केट है ना भाई एवरेज कर रहा है, मतलब 25,200 वाले एवरेज कर रहे हैं जिसमें 26 की पुट चलने वाली है, मतलब ये जो फ्यूचर की पुट है 26 वाली पुट है ना वो एवरेज करने वाली है, लेकिन स्पॉट की पुट तो बिया डिके होने वाली। तो ये मुझे है ना ये मुझे पीसीआर सेटलमेंट दिखाएगा। तो यहाँ पर जो लॉस अनआइडेंटिफाइड अनडिफाइंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर मेरा लॉस अनडिफाइंड है, लेकिन मुझे प्रॉफिट जो है वो रेशियो में मुझे 1,48,000 के रेशियो में 3,177, मतलब कि इसे मैं बाय कर रहा हूँ, मतलब सुबह में मॉर्निंग में निकल जाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर 25,600 का मैं पुट जो है वो डेल्टा न्यूट्रन होता है, मतलब कि उस डेल्टा न्यूट्रन पर मुझे कुछ मुनाफा होने वाला है, मतलब कि ज्यादा नहीं लेकिन 50 पैसा 30 पैसा आरएसएम जो बोलते हैं ना वो मिलने वाला है। यहाँ पर 25,100 का पुट देखो 144 रुपया है, तो ये 26 सितंबर का पुट जो है अगर मान लो ये घिस गया ये प्रीमियम तो ये प्रीमियम सीधा आधा हो जाता है और इस प्रीमियम का लाभ हमें अच्छा खासा 70 रुपीज का प्रॉफिट हमें जो है यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के अंदर मिलता है, जो जिसका टारगेट है सोमवार तक का। लेकिन इसके बाद में मान लो तोड़ता है 144 का सपोर्ट अगर तोड़ता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अब दूसरा जो ट्रेड आपका बनता है वो है पीसीआर सेटलमेंट का, मतलब के लॉस वहाँ पे अनडिफाइंड था तो यहाँ पे एक लॉस मिनिमम डिफाइन होता है जिसमें 25,400 का जो कॉल है 19 सितंबर का जिसे मैंने बाय किया है और सामने 25,700 का कॉल है जो सेल कर रहा हूँ, मतलब के मैं इसे सेल कर रहा हूँ, तो 30 रुपये का प्रीमियम जैसे डीके होके समझ लो भाई आउट द मनी का जो कॉल है वो डीके होके है ना सीधा कितने पे आता है पता है आपको, 10 रुपया या 13 रुपये पे आता है या 5.5 रुपये पे आता है। तो ये प्रीमियम का बेनिफिट मुझे 1.11 GM2 के अंदर मिलने वाला है, जिसके अंदर मेरा एस्टिमेट जो मार्जिन है वो 12,000 का मार्जिन है और मुझे प्रॉफिट जो है आपके सामने मिलने वाला है तकरीबन 35% का प्रॉफिट मुझे मिलने वाला है, रेशियो मुझे मिलने वाला ही है। तो आशा करता हूँ कि भी ये चीज़ें मार्केट में सीखना बहुत ही जरूरी है, अगर मान लो इन चीज़ों को मार्केट में सीखते नहीं हो और ऐसे ही मार्केट के अंदर ट्रेड सेटअप बनाते हो तो ये आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी बिल्डर जहाँ पर मैं स्ट्रेटजी बनाता हूँ तो ये आपको बहुत ही काम में आएगा। जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ये ऑप्शन है 19 सितंबर अभी जो चल रहा है वो, तो 25,500 का वापिस से एक बार मैं यहाँ पर मेरे लेकर आता हूँ जहाँ पर मैंने कॉल निकाली हुई है और उस कॉल को सिर्फ आपको देखना है। अब ये कॉल को देखो वीडियो है ना थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो में एजुकेशन बहुत भर भर के रखा हुआ है। 26 सितंबर का जो कॉल है 25,500 का उसका प्रीमियम चल रहा है 147, यहाँ पर बाइंग में है 1,10,000 क्वांटिटी और सेलिंग में है 40,000 क्वांटिटी, मतलब कि ये कॉल अभी सुबह मान लो गैप अप हो रहा है मार्केट 70 पॉइंट, तो ये कॉल तो भैया प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मतलब 147 का जो बाइंग सपोर्ट है ये सपोर्ट को तोड़ने के लिए 127 की एसएल, मतलब कि जो सेल प्रीमियम यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है ना ये सेल की तरफ जाता है, मतलब 25,000 का और जो 700 का जो पुट है उसका डेल्टा न्यूट्रन होता है तो वो पुट की तरफ वाला मतलब सॉयल होते हैं, लेकिन 25,700 से ये पुट होने वाला है
और 25,500 का जो प्रीमियम है, जो सपोर्ट प्रीमियम है, यहाँ से 146 से लेके अगर मान लो 172 या 181 तक भी हाई मिलता है, तो अभी इस प्रीमियम से बाहर निकल जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज के इसी स्ट्राइक का 25,500 का स्पॉट एक्सपायरी का प्रीमियम 50 रुपया है। अब ये 50 रुपया और ये 150 रुपया, मतलब के 100 रुपया स्प्रेड जो होता है, मतलब 50 वाला प्रीमियम जो होता है ना, 10 रुपया हो जाता है। ध्यान रखना मेरी बात, अगर वो 10 रुपया हो गया प्रीमियम, तो 40 रुपये का स्प्रेड वहां पे मिलता है, मतलब सेलिंग के अंदर। लेकिन वो किससे मिलता है? वो जो पोजिशन हैज करते हैं ना, उनको मिलता है, ऑप्शन बायर सेलर को नहीं। ऑप्शन बायर सेलर तो जितनी बार एवरेज करेगा उतनी बार उसे लॉस होगा। मतलब 25,500 पे 150 का प्रीमियम फ्यूचर का 27 तारीख का, जिसमें डेल्टा थीटा 0 होता है, लेकिन फिर भी वो प्रीमियम डे गैप अप के लिए काम करते हैं, डे गैप डाउन के लिए काम करते हैं। मतलब 147 से डे गैप डाउन है, सपोर्ट टूटता है, 131 का लोड देता है, 120 का भी लोड देगा, 102 का भी लोड देने की संभावना है। लेकिन वो किस तरह, वो टाइम डिके, मतलब कि एकदम से नहीं, टाइम डिके की तरह, मतलब कि जितना जितना 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह से। आशा करता हूँ इस वीडियो में इतना ही। अगर मान लो बुल कॉल स्प्रेड, डेबिट कॉल स्प्रेड, मतलब कि डेबिट पुट स्प्रेड, अगर ये सब चीज़ें स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आपको क्वेरी सॉल्व करनी हो, तो हमारी जो कंपनी है इसका संपर्क करें, जहाँ पे बॉन्ड्स पार्टनर्स बनाए जाते हैं। मतलब बॉन्ड्स पार्टनर्स का मतलब ये है कि भी हमारी जो कंपनी कुछ रिटर्न देती है इन्वेस्टमेंट पे, तो वो सालाना जो रिटर्न होती है ना, फिक्स इनकम होता है, तो वो आप 3 साल या 4 साल 5 साल, जितनी आपकी समय मर्यादा है, वहां तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर तो जरूर करें।